हाई गाइज, वेलकम टू माई न्यू ब्रांड वीडियो। और आज की जो वीडियो स्पेशल आप लोगों के लिए होने वाली है, यानी कि गेम लवर है वो चाहते हैं कि कोई ऐसी गेम मिल जाए जो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करते हुए खेल सके। तो जी हाँ, इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं लेकर आई हूँ अपनी इस वीडियो में। हाँ जी, और प्लीज़ वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि अगर स्किप किया तो इन्फॉर्मेशन आप तक नहीं पहुंच पाएगी। शुरू करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। तो टॉप 10 लिस्ट में सबसे पहले 10 नंबर पे मैंने जिस गेम को रखा है वो है लाइफ आफ्टर। को नंबर 10 पे रखने के पीछे रीजन ये है कि ये अब तक की बेस्ट सर्वाइवल गेम में से मानी जाती है, क्योंकि इस गेम में क्या है, बहुत सारे आपको मिशंस मिलते हैं साथ, यानी कि इसमें आपके फ्रेंड्स की लिस्ट चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, इजीली आप उनके साथ जो है इंजॉय करते हुए खेल सकते हैं। घर बनाना, मतलब बहुत सारे कूल ग्राफिक्स हैं जो आपको इस गेम के साथ जोड़े रखेगी। और साथ ही साथ इसका जो डाउनलोड साइज है वो है 15 GB के आसपास, यानी कि इस गेम को खेलने के लिए आपके फ़ोन में 15 GB का स्पेस होना चाहिए। इसी के साथ ही बात करते हैं अब नंबर 9। गाइस, नंबर 9 पर जिस गेम को मैंने रखा है वो है अनडॉन गेम। अगर आप जोम्बीज लवर हैं, यानी कि जोम्बीज से अपने आप को और किस तरीके से आपको अपने दोस्तों को प्रोटेक्ट करना है, तो ये सर्वाइवल गेम आप लोगों के लिए बेस्ट है। यानी कि ये भी थोड़ा सा बोले तो लाइफ आफ्टर की ही कॉपी है, लेकिन ये एडवांस है। वो मतलब इसमें जो कुछ भी है, ग्राफिक्स हैं, जो मिशंस हैं, वो बहुत ज़्यादा एडवांस आपको देखने को मिलेंगे। मल्टीप्लेयर गेम प्ले है, इंजॉय कर सकते हैं। 10 GB के आसपास इसका डाउनलोड साइज है। ये अब बढ़ते हैं नंबर 8 की तरफ। तो नंबर 8 पर जिस गेम प्ले को मैंने रखा है वो है प्रोजेक्ट स्टार गेम प्ले। यानी कि सोचिए, जस्ट इमेजिन कि आप अपने दोस्तों के साथ किसी प्लैनेट पर फंस जाते हैं और वहाँ के एटमॉस्फेयर और क्रिएचर से आपको फाइट करते करते सर्वाइव करना। तो जी हाँ, ये गेम उसी टाइप की गेम है। और इस गेम का जो डाउनलोड साइज है ना, वो 3 GB के आसपास है, यानी कि ईजिली आप डाउनलोड कर सकते हो एंड्रॉयड मोबाइल में और इन्जॉय कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। और अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट नंबर की तरफ, यानी नंबर 7, राफ्ट सर्वाइवल गेम प्ले। जी हाँ, आपको एक खुले समुंदर में अकेले छोड़ दिया जाए तो आपको कैसा फील होगा। इस गेम में आप अपनी मल्टीप्लेयर भी खेल सकते हैं और अकेले भी खेल सकते हैं। सीरियसली बताऊँ, आपको जो है पानी के सारी चीज़ों पर डिपेंड रहना होगा, यानी पानी से मिलेगा तो आपकी लाइफ चलेगी, अदरवाइज आपकी लाइफ खत्म हो जाएगी। इसका जो डाउनलोड साइज है वो 103 MB के आसपास है, यानी इजिली आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, साथ साथ अपने दोस्तों के साथ इंजॉय कर सकते हैं। इसी के साथ ही मैं बात करती हूँ अपनी नेक्स्ट गेम की। गाइस, 6 नंबर पर मैंने रखा है PKXG गेम प्ले को। सीरियसली बताती हूँ, साइज छोटा है, 300 MB के आसपास, मगर फिर भी गेम बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है। कार्टून लुक होने के बावजूद भी ये आपको बहुत ही प्यारा सा ग्राफिक्स देती है। कस्टमाइज आप घर को कर सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ चैट कर सकते हैं। अच्छी मल्टीप्लेयर गेम है, इसको भी जरूर ट्राई कीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। जिस गेम को रखा है वो है क्राइसिस एक्स। ये एक ओपन वर्ल्ड सर्वाइवल एक्शन MMORPG गेम है और बहुत ही प्यारी ग्राफिक्स के साथ है। इसमें भी आपको मिशंस कंप्लीट करते हुए अपने लेवल को अप करना होगा। इस गेम की खासियत दोस्तों ये है कि इनके जो डेवलपर्स हैं, उन्होंने पहली बार मोबाइल के लिए कोई गेम लॉन्च किया है। इसका जो डाउनलोड साइज है वो भी 355 MB के आसपास है, तो इस गेम को भी आप एंजॉय। आगे जाने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा काम चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि यही चीज है तो मुझे मोटिवेट करेगी और भी वीडियोस बनाने के लिए। तो अभी शुरू करते हैं हमारी नेक्स्ट 4 नंबर पर। गाइस, नंबर 4 पर जिस गेम प्ले को मैंने रखा है वो है सर्वाइवल एंड क्राफ्ट मल्टीप्लेयर गेम प्ले, जिसका डाउनलोड साइज 200 MB के आसपास है। और सीरियसली बताती हूँ, बहुत ही अच्छी गेम प्ले है। पानी पर आपको अपना लाइफ जीनी होगी, खाने के लिए आपको पानी से मिलने वाली चीज़ों पर डिपेंड रहना होगा। तो गाइस, ये भी एक अच्छी गेम प्ले है, जरूर ट्राई कीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। तो गाइस, नंबर 3 पर मैंने आर्क सर्वाइवल गेम प्ले को रखा है। अगर आप डायनासोर लवर हैं, जंगल लाइफ आपको पसंद है, तो ये गेम आपके लिए ही बनी है। तो आप अपने दोस्तों के साथ इस गेम को बहुत ही इंजॉय करेंगे, एक जंगल लाइफ जिएंगे, लेकिन साथ साथ आपको वहां पर होने वाले खतरे से भी बचना होगा। यानी कि डायनासोर, टीरेक्स, ना जाने कितने टाइप के डायनासोर आपको मारने के लिए दौड़ पड़ेंगे। साइज इस गेम का है 2.43 GB के आसपास। अच्छी गेम प्ले है, जरूर ट्राई कीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो गाइस, 2nd नंबर पर आती है हमारी लेफ्ट टू सर्वाइव गेम प्ले। एक्चुअली ये एक ऐसे गेम प्ले है कि आपके अर्थ पर बहुत सारे जॉम्बीज आ चुके हैं और आपको उन लोगों को मारकर सर्वाइव करना है, यानी कि आपकी दुनिया ख़त्म होने वाली है और आप अपने आप को कैसे सर्वाइव करते हो इस जगह पर, इस सिचुएशन पे, तो ये उसी बेस पर है। तो इसका डाउनलोड साइज 1.18 GB के आसपास रहेगा और ये एक अच्छी सर्वाइवल गेम है, इसको भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। अब बढ़ती हूँ अपने नेक्स्ट नंबर वन की तरफ, मैंने जिस गेम प्ले को रखा है माइनक्राफ्ट। माइनक्राफ्ट एक ऐसी गेम है जो आप अपने दोस्तों के साथ इंजॉय तो करते ही हो, साथ ही साथ इसमें कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, यानी कि इसमें आपको अपना खुद का वर्ल्ड क्रिएट करने का मौका मिलता है। ज़ॉम्बीज़ के साथ आप फाइट करते हो, नाइट क्रिएचर्स जितने भी आते हैं आप पे अटैक करते हैं उनसे आपको फाइट करनी होती है, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर ड्रैगन फाइट भी करने का मौका मिलता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये एक छोटे पैकेट में बड़ा धमाका गेम प्ले है, और आजकल बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी इस गेम को कंटिन्यूसली खेल रहे हैं। तो गाइज इसी के साथ ही मेरी आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करती हूँ, और आई होप आप लोगों को इसमें इंजॉय मिला होगा और आपको कुछ इन्फॉर्मेशंस भी मिली होंगी कि कौन सी गेम आपको अपने दोस्तों के साथ खेल लेनी चाहिए। तो इसी के साथ ही मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।